आपने अमूमन आईएएस अधिकारी को चमचमाती सरकारी लग्जरी कार में देखा होगा अपने दफ्तर जाते हुए, मगर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ऐसे अधिकारी को जो कि साइकिल से दफ्तर जाते हैं। तो हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दिया है कि हमारा लाइफस्टाइल है उसको पर्यावरण का प्रति होना चाहिए हमारा लाइफस्टाइल। सो इसी के प्रति हमने प्रदूषण को कम करने के लिए हमने हमारी सरकारी गाड़ी को हमने छोड़ा है और साइकिल से आते हैं, क्योंकि साइकिल से कोई प्रदूषण नहीं होता है। और इससे दूसरा फ़ायदा ये है कि हमारा फिटनेस भी बनती है और ऑफिस में काफ़ी एक्टिव भी मैं रहता हूँ साइकिल से आने की वजह से। सो इसमें मुझे तो सारे एडवांटेजेस ही दिख रहे हैं गाड़ी में आने के अलावा, तो सारे एडवांटेज इसलिए हमने गाड़ी छोड़ दिया है। बीवीआरसी पुरुषोत्तम सिर्फ फिट रहने के लिए ही साइकिल नहीं चलाते हैं, बल्कि वो शौकिया तौर पर भी साइकिलिंग करते हैं। वो हर रोज सुबह 4 से 5 बजे देहरादून से माल देवता तक 20 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं। पुरुषोत्तम का कहना है कि साइकिल की सवारी से जहां समय की बचत होती है, वहीं ट्रैफिक जाम से भी बचा जा सकता है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। और एक अधिकारी साइकिल की सवारी से फिट इंडिया का संदेश दे रहे हैं, मगर रुड़की में एक स्टंट मैन का वीडियो पुलिस के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। बाइक पर स्टंट करता ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट देखिए। कभी बाइक को जमीन पर गिराकर स्टंट बाजी, कभी हाथ छोड़कर बाइक को दौड़ाना, कभी बाइक की सीट पर लेटकर करतब दिखाना। रुड़की में सोशल मीडिया पर वायरल हुई इन तस्वीरों को जिस किसी ने भी देखा हैरान रह गया। देखिए यह शख्स कैसे बाइक पर स्टंट बाजी कर रहा है। इस तस्वीर को देखिए, ये युवक बाइक की सीट पर लेटकर स्टंट दिखा रहा है। बाइक रफ्तार के साथ दौड़ रही है और ये उस पर बड़े ही आराम से लेटा हुआ है। इकबाल नाम के इस शख्स का कहना है कि इसे बचपन से ही इस तरह के स्टंट करने का शौक है। शौक था, मैंने मोटरवे में बाइक चलाई कर लिया, वही मुझे शौक लगा, मैं देखता रहा इसको। बस इसके अलावा तो और कोई शौक नहीं है मेरा। मौत के कुआं में भी चलाई आपने? हाँ चलाई। मगर सवाल ये है कि अगर स्टंट करते समय कोई दूसरा राहगीर चपेट में आ गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? यही वजह है कि पुलिस अधिकारी इस पर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। इस तरह से स्टंट कर रहा है, संज्ञान में आ गया, मामला जांच कर रहे हैं इसमें, और बताया गया युवक तेलीवाला का है, तो इसमें बुला के जो भी संभव कार्रवाई है जो वो हम करेंगे। साथ साथ जो स्टंट, जो बाइकर्स पे स्टंट हैं बिना हेलमेट ट्रिपल राइडिंग और जो ये बुलेट पे जो पटाखे फोड़ने की जो बातें हो रही है, उसमें लगातार हमारी ट्रैफिक पुलिस और जो थाना पुलिस है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। एक अकेला शख्स बाइक पर खतरनाक स्टंट कर रहा है, कभी ये हाथ छोड़कर बाइक चलाता है, कभी बाइक को जमीन पर गिराकर स्टंट करता है, तो कभी बाइक की सीट पर लेटकर स्टंट करने लगता है। एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।